हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी से। तो मैं सेंटर से वापस आ चुकी हूँ और जा रही हूँ घर। और घर आते आते देखा तो हमारे जो है रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है गाड़ी खड़ी हुई है। ये गाड़ी जो है वाइट कलर की, मेरी ननद की गाड़ी है। और आगे तो आपको पता ही है, ये तीनों ये हमारे, एक बुलेट है और एक गाड़ी, एक बाइक है। तो ये सारे खड़े हुए हैं इधर। और मक्की देखिए हमारी खाद लगाने के बाद कितनी बड़ी हो गई है। और आसपास का व्यू देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुहावना हो गया है मौसम। और चारों साइड जो है हरियाली बहुत अच्छी हो गई है। और ये देखिए मेरे कचालू सूख रहे हैं, ये पता नहीं क्यों सूख रहे हैं। यहाँ पर महल बहुत ज़्यादा था, शायद उस वजह से जो है सूख रहे हैं। आगे को तो पत्ते काफ़ी हरे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है महल की वो भी है, तो इस वजह से शायद यहाँ पर महल बहुत ज़्यादा पड़ गया और इस वजह से सूख गए। और फ्रेंड्स, आसपास का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको शाम के टाइम का। बहुत ही सुहावना हो रखा है मौसम। और नीचे जो है हमारी नाक का पेड़ है। और ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे में जो है हरियाली छाई हुई है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और उधर जो है जहाँ पर धुआं सा दिख रहा है, वहाँ पर जो है चीड़ के पेड़ है, जो चीड़ से चलारू वगैरह निकलता है उसको घासनी में इकट्ठा करके जो है लोग आग लगा रहे हैं एक जगह पर ही। तो ये है शाम के टाइम का और मैं घर में जो है पहुंचने वाली हूँ। और ये देखिए घास, मम्मी ने जो है 5-7 दिन पहले ही ये घास जो है बिल्कुल साफ़ कर दिया था, लेकिन ये फिर से जो है बड़ा हो गया और मुझे काटना पड़ेगा। और ये रही हमारी हरी मिर्च और साथ में मूली भी है बीच बीच में। ये है फाफड़ा, इसका जो है बहुत ही टेस्टी साग बनता है, जो बीपी शुगर वाले मरीज़ होते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये थोड़ा स्वाद में खट्टा खट्टा होता है और इसको जो है जब हम पकाते हैं तो ये बिल्कुल ही घुल जाता है। और अब पहुंच गई हूँ मैं घर में अपनी ग्वाइनी के पास। और ये देखिए घर में पहुंच चुकी हूँ। तो मोहित उठा रहा है यहाँ पर मिट्टी, जो भारी बारिश के कारण हमारी गाय के पास लैंडस्लाइडिंग हुई थी, तो उस मिट्टी को मोहित उठा रहा है। क्योंकि ये मिट्टी 2-3 दिन पहले से बहुत गीली थी और आज थोड़ा धूप लगी हुई है, तो धूप के कारण थोड़ी सूख सी गई है मिट्टी, तो बेलचे से इसको उठाने में आसानी हो रही है। इतनी भी नहीं सूखी है लेकिन थोड़ी सूखी सूख गई है। तो फिर ये दरी फेंक रहा है साथ में रेड़ी के साथ। गिरी थोड़ी सी मिट्टी थी लेकिन जो है 10-12 रेड़ी निकल गई, क्योंकि फिर पशुओं को बांधना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मिट्टी के ऊपर कैसे बांधना, क्योंकि मिट्टी जो है गीली गीली थी और फिर अगर पशु इसके ऊपर बांधते तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता। तो फिर इसकी सफाई जो है मोहित अच्छे से कर रहा है। और रेड़ी के ऊपर भी काफ़ी मिट्टी जो है फंस गई है क्योंकि थोड़ा गीली भी है, लेकिन आज धूप जो है अच्छी खासी निकली हुई है। बेलचे में आसानी से भरी नहीं जा रही है मिट्टी। तो गांव के बच्चे देखिए पूरी तरह से सॉलिड होते हैं और काम भरपूर तरीके से करते हैं। अभी तो इसमें 5-6 रेड़ियां और रह गई है, दिख तो थोड़ा सा रहा है लेकिन धरती का मुंह होता है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलाती है अगर इसको जो है खोदने लग जाए तो। मिट्टी जो है ज़्यादा सूखी नहीं है, गिली गिली है। बेलचा लगाने में भी आफत हो रही है क्योंकि इसमें जो है मिट्टी फंस रही है। और ये ले गया मोहित तीसरी रेड़ी, तो इसके बाद भी ये जो है इसको करता ही रहा है। और साथ में फिर मेरे नंदोई आ गए थे और वो बोल रहे थे कि मैंने ले जाने हैं अरबी के पत्ते,
क्योंकि हमारे नहीं हैं तो पतरोड़ू खाने हैं, तो पतरोड़ू खाने के लिए चले गए थे खेत में और साथ में ले गए थे छुरी। तो छुरी से ये काट के, बड़े बड़े पत्ते काट के ले जा रहे थे। तो यही था आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।